हेलो गाइस, इरशाद गरी सिटी में वेलकम है। आप देख रहे थे इरशाद गरी सिटी। जो आज मैं बात करने वाला हूँ, पार्षद जो थे प्रूफ के थे, मतलब पहले जो चुनाव लड़े थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज उनकी बात सुनाते हैं। सबसे पहले मैं कोचिंग व्यवस्था की और बिहार सरकार के मुद्दे पर ये बात हुई है। आइए हम दिखाते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जालेनगर परिषद के वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मनीरुल हसन एज ए पेशे से शिक्षक हूँ और कई वर्षों से मेरा कोचिंग संस्था चल रहा है। बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारा मुद्दा है। आए दिन मारकाट हो रहा है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये सरकार का क्या कहना है? ये सरकार चचा भतीजा जो की सरकार जो है, ये असफल होती हुई नज़र आ रही है। इस बार सरकार चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इस देश में लाखों बेरोज़गार बैठे हुए हैं, डिग्रियां लेकर के, कोई MBA की डिग्री लेकर के बेरोज़गार है, कोई इंजीनियरिंग करके बेरोज़गार है, कोई ग्रेजुएशन करके बेरोज़गार है, नौकरियां नहीं है। अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। इस स्टेट का यह हाल है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, रोज़गार की बहुत कमी है। अदर स्टेट में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बिहार छोड़ करके अदर स्टेट की स्थिति बहुत अच्छा है बनिस्पत बिहार के। बिहार में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यहाँ की कोई कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। कोई बाहर की कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। कंपनी आएगी तो हज़ारों की तादाद में लोग को रोज़गार मिलेगा, किसी न किसी अवसर पे रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर तालीम भी मिल रही है, एजुकेशन भी मिल रही है, वो स्कूल से, सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है इल्ला माशाल्लाह, वहाँ ना पढ़ाई की व्यवस्था है, न टीचर भी उस लायक है जो सही तरीके से पढ़ा सके। जो शिक्षा व्यवस्था का जो चल रहा है वो निजी स्कूल के स्तर पे चल रहा है। जो प्राइवेट स्कूल है वो समझिए संभाले हुआ है देश की, बिहार की आर्थिक व्यवस्था को और शिक्षा व्यवस्था को। अगर निजी स्कूल ना हो तो सरकारी स्कूल से बच्चा कोई माने नहीं है। BA करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको ABCD नहीं मालूम है, ABCD का अक्षर नहीं पता है, ग्रेजुएशन कर लेता है सरकारी स्कूल से। वह निजी स्कूल है उसमें बहुत ही, समझिए वही एक है जो IAS और UPSC निकालने का एक माध्यम है। नहीं तो जो है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश 10 तक के बच्चों को जीरो लेवल का आता है। अगर CBSE बोर्ड ना हो, निजी प्राइवेट स्कूल ना हो तो उससे नहीं चल रहा। अभी कोई DM आया, अभी लागू हुआ है कि 11 बजे से जो है, जो स्कूल का टाइमिंग है उसमें कोचिंग संस्था बंद रहेगा। ये सरासर गलत है। कोचिंग एक बिजनेस है, असंवैधानिक तौर पर अपना बिजनेस करने का अख्तियार है, सभी लोगों का अख्तियार है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। स्टूडेंट चाहिए तो चाहे कोचिंग ले सकता है। ये ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आपके स्कूल में निजी स्कूल बंद कर करके आप सरकारी स्कूल में बच्चे को कन्वर्ट करना। वो अच्छी चीज़ है, आप स्कूल व्यवस्था को अच्छा करिए। अगर स्टूडेंट को अच्छा लगेगा तो सरकारी स्कूल में जाएगा, उसकी मर्जी है। आप इस पर दबाव डाल करके जितने भी निजी स्कूल है, संस्था है, कोचिंग है, उसको बंद कर करके आप जो है उसके अलावा जो टाइमिंग दे रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं इस मुद्दे पे सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ, ख़ासतौर से नीतीश कुमार को, कि इस मुद्दे पे जो है गहराई से विचार करें। अन्यथा जो है, अगर ऐसा माहौल अगर रहे तो फिर देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं रहेगी। देश की क्या है, या बिहार, सबसे पहली चीज़ है कि जिस जहाँ हम रहते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य की व्यवस्था सही नहीं है, शासन प्रणाली सही नहीं है, पुलिस नहीं है सही है, न यहाँ की जो है DM उस तरह से, उस स्तर से जो है विचार विमर्श कर रही है। सबसे पहले एक मीटिंग करना चाहिए, जितने भी निजी स्कूल है और जो कोचिंग संस्था है, मीटिंग होने के बाद जो बात होती है उसके बाद डिसीजन लेता। अब एक बैग जो है बड़े के आदेश पे जो है खुद डिसीजन ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कहाँ का सिस्टम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को ये बोलना चाहता हूँ कि इस विचार पे आप जो है गहराई से सोचे, विचारें।
नहीं तो जो है 2024 के इलेक्शन में आपकी जो है फिर आपका कुछ यहाँ नहीं बचेगा, और विधानसभा में आपकी सरकार फिर बदल जाएगी। आपकी सरकार चचा भतीजा की सरकार जो चल रही है वो मिनटों में बदल जाएगी। ओके, धन्यवाद।